हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 18+ एज के लड़के लड़कियों के लिए एक गजब का एनिमे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। वैसे तो मैं एनिमे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये एनिमे आपको पता होना ज़रूरी है अगर आप भी 18+ है तो। क्या आपको पता है इस एनिमे का नाम क्या है? करेक्ट, इस एनिमे का नाम है स्वीट बाइट मार्क्स। आपको बता दूँ, ये एक चाइनीज एनिमे है, इसलिए आपको शायद इसमें मांगा या फिर कॉमिक्स इस टाइप को आप लर्न करना चाहोगे, पर एनिमे को कौन लर्न करना चाहेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखो मेरा। देखो, आप पहले एनिमे सेक्शन के जो स्वीट बाइट मार्क्स रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, पहले आप उसको देखो, फिर मेरा एपिसोड देखना। और अगर पूरा आप उसका नाम भी देखो तो उसका प्लीज़ प्लीज़ सबसे आखिरी वाला जो वीडियो अपलोड किया है स्वीट बाइट रिलेटेड, उस वीडियो को प्लीज़ आप देखिए, वरना मेरा जो वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ उसका आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो आपको वेट ना कराते हुए रैन और सिनिची की तरह बूम बैस्टिक स्केट रोलर की तरह हम अपना वीडियो करते हैं। जस्ट स्टार्ट, लेट्स देखते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हमारा जो वैम्पायर प्रिंस रॉय है, वो अपनी प्यारी सी ब्लड सर्वेंदुआ सी ऑक्सिन के साथ सपने के सामने एक बैल्कनी सा जो टाइप होता है ना, बैल्कनी कहते हैं लोग, वहाँ पे जाके सबको बताता है और ऑर्डर भी देता है कि कोई भी सियोक्सिन को तंग ना करे। रॉय अपनी क्लास में सियोक्सिन को ट्रांस मतलब ले चला जाता है और सियोक्सिन को कहता है वहाँ पे तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, तो तुम फुल रिलैक्स से रहना। तो सियोक्सिन भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, और साथ ही साथ वो जो कॉलेज का कैंपस के जो भी स्टूडेंट है सभी वहाँ पे सुन रहा होता है रॉय को। वहाँ पे एक सस्पिशियस मैन दिखाया जाता है जिसका नाम है जियान। तो नेक्स्ट टाइम पे हमें दिखाया जाता है जियान अपने रॉय के क्लास में एंट्री लेता है। रॉय के क्लास में जो भरपूर वैम्पायर्स थे सिर्फ जियान के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्लास के बाद कुछ वैम्पायर्स की टीम जियान को परेशान करने आ जाते हैं, पर अपना जियान उनके लीडर का हाथ घुमा देता है, और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी वैम्पायर्स थे सभी के साथ जियान का हाथापाई हो जाता है। पर टेंशन क्यों लेना, अपना जियान उनको मजा चखा के वहाँ से निकल लेता है। और अपना जो रॉय है वो ये सारी बातें बहुत अच्छे से देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। तब जियान जब वहाँ से चले जा रहा होता है तब रॉय कहता है तुम अगर यहाँ पे टिके रहने की सोच रहे हो और सोच रहे हो कि हम वैम्पायर से बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और हमारा जो जियान है वो इस चीज़ को पूरा सा ही इग्नोर मार देता है, जस्ट इग्नोर। और सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और आप लोग सही गेस कर रहे हैं ये और कोई नहीं लोपिटस हाउस ही है जहाँ पे रॉय रहता है और सियोक्सिन ये उसकी ब्लड सर्वेंट है। तो आज मैं यहीं पे ही अपना एक्सप्लेनेशन ख़त्म करता हूँ, होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।